लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने तमाम कयासों और अनुमानों को दरकिनार करते हुए पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल को जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया है। 48 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब जयपुर लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया हो। इससे पहले 1962, 1967 और 1971 में लगातार तीन बार स्वतंत्र पार्टी से गायत्री देवी सांसद रहीं। कांग्रेस की पहली सूची में तीन महिलाओं को टिकट मिला, नागौर से ज्योति मिर्धा, दौसा से सविता मीणा और जयपुर से ज्योति खंडेलवाल। हालांकि कांग्रेस ने पिछली बार 6 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से एक भी महिला उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाई थी। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे मौका दिया कि मैं कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में जाऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जयपुर की जनता ने जैसे मुझे मेयर के रूप में बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया था, उसी तरीके से अब एमपी के रूप में भी वो मुझे स्नेह और आशीर्वाद देगी और अपना प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर देगी। जयपुर लोकसभा सीट को ब्राह्मण सीट कहा जाता है। अगर समीकरणों की बात करें तो 20,88,058 मतदाता हैं, जिनमें 9,87,797 महिला, 10,99,214 पुरुष मतदाता हैं। कांग्रेस की तरफ से 2009 में डॉक्टर महेश जोशी यहां से चुनाव जीते थे। उससे पहले 1984 में पंडित नवल किशोर शर्मा सांसद रहे, लेकिन 2014 में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा रहे रामचरण बोहरा ने महेश जोशी को 5,39,355 वोट से शिकस्त दी। पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे रामचरण बोहरा के सामने वैश्य और महिला चेहरा ज्योति खंडेलवाल के नाम पर दांव खेला है। ज्योति खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाने के पीछे जो अहम फैक्टर है, उसमें उनका 2009 में महापौर के चुनाव में जीत हासिल करना भी रहा। अब पार्टी ने मुझे एमपी के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो मैं इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा करके जनता के बीच में जाकर के जनता से सहयोग और आशीर्वाद मांग करके भगवान से ये प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से ये कामना करते हुए कि वो मुझे एक और मौका दे कि मैं जयपुर की जनता की सेवा कर सकूं। ज्योति खंडेलवाल एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर रामचरण बोहरा को कड़ी टक्कर देंगी। ज्योति खंडेलवाल के सामने बड़ी चुनौती बीजेपी के वोट में सेंध लगाने के साथ कांग्रेस के विधायकों को भी साथ लेकर चलने की होगी। बीजेपी की सबसे मजबूत सीट कही जाने वाली जयपुर लोकसभा सीट से खंडेलवाल का रास्ता आसान नहीं होगा। सुशांत पारे, जी मीडिया, जयपुर।